आज 11 जुलाई 2024, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। जैसे ही संपूर्ण शरीर और मन हल्का हो रहा, बहुत काल का अभ्यास, अपने आप शरीर से डिटैच हो रहे। अनुभव करेंगे, मैं आत्मा न्यारी थी, न्यारी हूँ और सदा न्यारी रहूंगी। अशरीरी हूँ, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। ये शरीर के पहले भी मैं थी, शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहने वाली हूँ। मैं अविनाशी हूँ, ऊंचे ते ऊंचे बाप की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान, परम पवित्र आत्मा। जैसे मैं आत्मा हूँ, वैसे अन्य देहधारी भी आत्मा है। मेरी दृष्टि हमेशा आत्मा के ऊपर ही होती है। मुझे आत्मा ही दिखाई देती है, शरीर नहीं। मेरी दृष्टि सिविलाइज बनते जा रही है। बाबा की याद से मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्न धारण हो रहे हैं और ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देकर मैं आत्मा भरपूर बन रही हूँ। सत्यता की शक्ति मेरे रोम रोम में समा रही है। सत्यता की शक्ति की धारणा से खुशी और निर्भयता आते जा रही है। डर समाप्त हो रहा है। शक्तिशाली वृत्ति और पॉजिटिव संकल्प से वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है और बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं कि बच्चे, आपने कल्प कल्प अशरीरी अवस्था का अभ्यास करके अपनी आंखों को सिविलाइज बनाया है, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखा है। सत्यता की शक्ति के द्वारा खुशी और निर्भयता का अनुभव किया है। बाप द्वारा प्राप्त अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करके दान किया है। विकारी वायुमंडल को अपने शक्तिशाली संकल्प और वृत्ति से परिवर्तन किया है। बाबा आपकी सेवा से प्रसन्न है।
और आपको दुआ दे रहे हैं कि आपके द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण होगा। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रहे हो। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।